देश के मानयोग राष्ट्रपति जी ये अपील करते हैं कि इस माड़ी तो नकम्मी सार सरकार जड़ों मुडो खत्म कर और इतने राष्ट्रपति राज लागू किया जाए। कि किसान बदनाम हो जाएंगे, किसानों का अंदोलन बदनाम होगा, किसान जथेबंदियां बदनाम हो गया, इस करके उन्होंने जोड़ा ये घनौनी कार्रवाई की है। पंजाब चुन राष्ट्रपति राज लागू करन दा रौला बीजेपी वर्करां वल्लों चुकिया गया है। काबिले गौर है कि बीजेपी पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ते टोल प्लाजा ते जो हमला होया है उस तो बाद बीजेपी वल्लों कांग्रेस सरकार नू घेरिया जा रहा है, जिसके चलदियां बरनाला च बीजेपी वर्करां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दा जिथे पुतला फूकिया उत्थे ही पंजाब च कानूनी स्थिति ते सवाल चुकदियां राष्ट्रपति राज लागू करन दी गल आख दित्ती है। अज असी पंजाब की नकम्मी बौली करप्ट घपलियां की सरकार का पुतला फूकिया जी, जिन्ह ने पंजाब बुरा हाल कर रखे है। पता नहीं किहड़े किहड़े माफिया इत्थे, रेत माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, फिर साढ़े गरीब जिहड़े एससी बच्चे ने उन्हां दा 64-65 करोड़ रुपया भी हजम कर गए। ये सारियां गल्लां नूं लुकाउण खातर कि उजागर ना हो जाण, इन्हां ते पर्दा पाउण खातर आ होर नवीं गल्लां नूं अंजाम दे रहे ने। पहला साढ़े भारतीय जनता पार्टी के अमृतसर दफ्तर विखे इन्होंने हमला किया, उत्थे गेट ते बन के पुतला साड़न की कोशिश की और साढ़े दफ्तर का नुकसान हो सकता सी। फिर बीजेपी के लुधियाने दफ्तर च बढ़ गए सारे गुंडे है जिहड़े इकट्ठे करे ने कांग्रेस पार्टी ने। और तुसीं एक गल होर देखो भी कल तो उदों हद रह गई इस गल की जो साढ़े पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा जी ते भी हमला हो गया। जलंधर मीटिंग चों जा रहे सी, असी भी सारे लोग उत्थे सी, सारे जिला प्रधानों की और इंचार्जा की उत्थे मीटिंग सी, तो उत्थों इन्होंने पूरा प्लैन बना के बंदे ला के उत्थे जाके मतलब नुकसान करिया जिथे साढ़े किसान भरा धरना दे रहे सी। लोकतंत्र है साढ़े देश, सबनों अपनी गल कहण दा हक है, साढ़े किसान वीर भी अपनी गल कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने पूरा हक है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी इस गल ते लगी हुई है, कल नूं बैठक भी है किसान यूनियन के आगुआं नाल कि इस मसले नूं जे कोई कमी पेशी है उहनूं भी हल किया जाए और सारे अपना इस गल नूं खुश रहन। पर जिहड़ी इह पंजाब दी घपले वाली सरकार है, नकम्मी सरकार है, जिन्हों कोई काम ही नहीं है, जिन्हों तो पंजाब नहीं सामया जा रहा, इतने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सारी खेरू खेरू हो पई है, कोई इतने राजा बाबू नहीं है, सब ठग चोर ने, घपलियां तो बिना सरकार ने कुछ नहीं किया। और जिहड़ी साढ़े प्रधान जी ते अश्विनी जी ते अटैक होया है असी बर्दाश्त नहीं करांगे। सारा भारतीय जनता पार्टी का वर्कर अज सारे पंजाब सड़कों पर है, असी उन्हें अगे भी होर मुहिम वधावांगे और असी साढ़े देश के मानयोग राष्ट्रपति जी नूं यह अपील करते हैं कि इस माड़ी तो नकम्मी सार सरकार जड़ों मुडो खत्म कर और इतने राष्ट्रपति राज लागू किया जाए। ये भारत सरकार वालों इन्हों सद्दा पत्र दिता गया किसान जथेबंदियों, किसान जथेबंदियों का किसानों का अभी बहुत सत्कार करते हैं। ये मैं खुद भी एक किसानों के चंगे किसानों के इस करके, पर यह किसानों का जोड़ा अंदोलन 10-12 दिनों तो चल रहा, ये लोकतंत्री हक बनता है कि अपना जिहड़ी मंग है अंदोलन है वो आप कर सकते हैं। वो बड़े शांतमई ढंग दे नाल किसानों का अंदोलन चल रहा, कोई भी कदे भी किते जे साडे किसी आगू दे अगे धर घर अगे भी धरना दिता वो भी बड़ा शांतमई ते प्यार नाल दिता होया, कोई ऐसी गल नहीं है। पर जिहड़ा कल होया, कल एक जानबुझ के छाजत दे अधीन पंजाब सरकार वालों अपने गुंडे भेज के साडे प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी ते जिहड़ा कतलाना हमला किया, बहुत जबरदस्त कतलाना हमला किया, इस करके कि किसान बदनाम हो जाएंगे, किसानों का अंदोलन बदनाम होगा, किसान जथेबंदियां बदनाम हो गया, इस करके उन्होंने जिहड़ा ये घनौनी कार्रवाई की है, कतलाना हमला किया। प्रधान जी साढ़े बाल बाल कट के गड्डी तोड़ दी गई, उत्थों के जिहड़े किसान बैठे सी टोल प्लाजे ते वो खुद भी कह रहे हैं कि साढ़े कोलों दी प्रधान जी की गड्डी लंघी है, कोलों दी साढ़े लंघ के गए ने, सानू खड़का ये तो पता लग गया। उत्थों सारे लोग कह रहे हैं कि जो इन्होंने हमला किया 2-3 गड्डियां आईया इन्होंने गुंडिया दियाँ, इन्होंने जाके उन्होंने उत्ते कतलाना हमला करिया, पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे जे हमले बर्दाश्त नहीं करूगी। असी मंग करते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तुरंत अस्तीफा दे, क्योंकि पंजाब का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ माहौल है, ये पंजाब सरकार खुद बिगाड़ रही है, इस करके इन्हों तो संभाल नहीं होंगे, अपनियां नाकामियां लुकाउण वास्ते सारा कुछ कर रहे हैं, पर पंजाब के लोग हुण बर्दाश्त नहीं करनगे। असी अस्तीफे की मंग करते हैं,
अज असी पूरे पंजाब दे विच इन्हां दे रोस प्रदर्शन ते पुतले फूके गए ने कैप्टन दे, कैप्टन सरकार दे पुतले फूके गए ने। असी यह मंग करते हैं कि यह तुरंत रिजाइन देन, सरकार छड्डण पासे हो। पंजाब दे जेकर ताज़ा हालातों की गल की जाए तो करोना दे इस काल च जिथे पंजाब च किसानां वल्लों धरने दिते जा रहे ने जां फिर धार्मिक मामलों ते संगतां नूं ठेस पहुंचाउण दी कोशिश की जा रही है, तो इन्हां सब मामलों च बीजेपी नेता ते हमला ते ना किते वड्डी साजिश वल इशारा भी कर रहा है। हकीकत टीवी पंजाबी लई बरनाला तो राजेश कुमार की रिपोर्ट।